नमस्कार, मैं चेतना, चेतनाज न्यू किचन में आपका स्वागत है। तो आज फिर मिल रहे हैं हम एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाने जा रहे हैं कांजी बड़ा। इस कांजी बड़े को हम दही के साथ भी खाएंगे और पानी में भी। कांजी का पानी तो होता ही बहुत टेस्टी है, तो चलिए बनाते हैं कुछ डिफरेंट टाइप का कांजी बड़ा। कांजी बड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम जो कांजी का पानी बनाएंगे उसके मसाले देख लेते हैं। तो ये मैंने लिया है 4 टेबल स्पून राई, काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और काला नमक, 1 टीस्पून हींग। हींग बहुत ज़रूरी है, ज़रूर यूज़ करिए, और सादा नमक। ये सभी मसाले अगर आप यूज़ करेंगे तो कांजी का पानी बहुत ही टेस्टी बनेगा। अब हम इन मसालों को मिक्सर के जार में ट्रांसफ़र कर देंगे और इनको बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। तो देखिए, राई जो थी वो भी पिस गई है, बाकी मसाले तो करीबन पिसे ही थे, फिर भी आप मिक्स बहुत अच्छे से हो जाते हैं। और इन्हें कांच के बर्तन में हम निकाल कर उसमें ऐड करेंगे 1 लीटर पानी। मैं 1 लीटर पानी मसालों की क्वांटिटी के हिसाब से ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मसाले अगर और पानी का बैलेंस सही होगा तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मसालों को पानी में थोड़ा सा इस तरह से मिला के मिक्स कर दीजिए और इसको हम रख देंगे ढककर 1 दिन के लिए कोई गर्म स्थान पे, या तो खिड़की में से आपके यहाँ धूप आती हो या छत पर, आप 1 घंटे के लिए इसे धूप में रख दीजिए, तो इसमें जो राई की खटास है वो अच्छे से आ जाएगी। और ये मैंने धुली उड़द की दाल ली है जो हम बड़े बनाएंगे इसके, और इसको 4 से 5 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था, तो ये अच्छे से फूल गई है। अब हम इसे एक मिक्सर के जार में ट्रांसफ़र करेंगे। हमें इसे बहुत ज़्यादा पानी में नहीं पीसना है, थोड़ी सी हरी मिर्च और अदरक डाल रही हूँ मैं, ये आपकी चॉइस पर है। अगर आप प्लेन बनाना चाहते हैं तो प्लेन भी बना सकते हैं। और थोड़ा सा पानी लेंगे क्योंकि हमें इसे बहुत पतला नहीं पीसना है। एक बार पीस के देख लीजिए, ये देखिए मैंने एक बार मिक्सी चला के देखी है, पल्स पे भी चला सकते हैं आप थोड़ा सा, तो ये इस तरह की हुई है दरदरी। अब मैं थोड़ा पानी और ऐड करूँगी क्योंकि अभी इसमें पानी की ज़रूरत है। थोड़ा सा पानी ऐड करके और हम मैं बताऊँगी आपको कितना कैसा पेस्ट तैयार करना है। तो इतना पेस्ट गाढ़ा हमें तैयार करना है, और लेकिन दाल बिल्कुल बारीक पिस जानी चाहिए। तो आप धीरे धीरे मिक्सी को वापस दाल को चला चला के पीसेंगे तो दाल इजीली पिस जाती है। अब हम इसे एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे सारी दाल को और इसको फेंटेंगे। पहले हम अभी प्लेन ही फेंट रहे हैं, अभी हमने इसमें नमक मसाले कुछ भी ऐड नहीं किए हैं। नमक हम वैसे भी ऐड नहीं करेंगे, इसको बहुत अच्छा से फ्लफी करना है। और थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा, ये हरा धनिया भी आपकी चॉइस पर है, अगर आपको ऐड करना है तो, नहीं तो प्लेन बनाइए, पर जीरा और काली मिर्च अगर आप ऐड करेंगे तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। इसमें हम नमक नहीं मिलाएंगे, फीके ही बनाएंगे हम, क्योंकि कांजी के पानी में नमक हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। और ये देखिए, एक कटोरी में पानी लीजिए और थोड़ी सी ये पिसी हुई दाल डाल के देखिए, फेंटी हुई दाल, अगर वो तैर कर ऊपर आ जाती है तो समझ लीजिए बिल्कुल अच्छे से फिट गई है। अब बड़े बनने के लिए दाल तैयार है। अब हम एक कढ़ाई में ऑयल गरम करेंगे, ये मैं सरसों का ऑयल ही ले रही हूँ, और एक रबड़ शीट पे मैं इस तरह से ऑयल लगा लूँगी। मैं आपको 2 तरह से बनाऊँगी बताना, ये तरीका मैं आपको पहले तरीके से बता रही हूँ। इस पे थोड़ा सा ऑयल का हाथ लगा लीजिए, ग्रीस कर लीजिए, और 1 टेबल स्पून के करीब हम इसमें दाल का जो मिक्स है वो रखेंगे, पीसा हुआ पेस्ट, और उसको हल्के पानी के हाथ से हम शेप दे देंगे बिल्कुल बड़े जैसा। इसमें हम सेंटर में हल्का सा होल कर लेंगे और इसको गरम ऑयल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये देखिए, इस तरह से रबड़ शीट से हाथ पे पलट के ट्रांसफ़र कर दीजिए। आप थोड़ा कढ़ाई से दूर रह के रबड़ शीट पे हाथ पर ट्रांसफ़र करिए, मैं इस वीडियो में दिखाने के लिए आपको बता रही हूँ। और इतना ही ऑयल गरम रखना है हमें, इससे ठंडे ऑयल में ट्रांसफ़र नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने बहुत ठंडे में किया तो बड़े तेल पी जाते हैं। और इस तरह से हम सभी बड़े डालते जाएंगे। तो ये देखिए, जैसे ही हमने दूसरा बड़ा बना के डाला तो पहला बड़ा काफ़ी फूल गया, फ्लफी हो चुका है। अब हम इस तरह से और बड़े भी डालते जाएंगे और जो बड़े सिकते जा रहे हैं उन्हें पलटते जाएंगे। अगर आप इस तरह से बनाना चाहते हैं तो इससे भी बहुत इजीली बन जाते हैं, मैं आपको बता ही रही हूँ, और मैं दूसरा मेथड भी बताऊँगी आपको, उससे भी बहुत इजीली बना सकते हैं।
ये थोड़े अलग शेप के बनाए हैं मैंने, बहुत ही टेस्टी लगते हैं दिखने में भी और खाने में भी अच्छे लगते हैं, दिखने में बहुत, खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो इनको हम पलट देंगे, जो जो बड़े सिकते जा रहे हैं, फ्लफी होते जा रहे हैं, उनको पलटते जाएंगे थोड़े से, जब ये ऊपर से ऐसे फूल जाए उसके बाद ही पलटी है आप, तो अलग दिखेगा। नीचे से थोड़ा सिक जाता है और ऊपर से दाल वैसे पक जाती है। अब हम इनको सिकते जाएंगे तो अलग निकाल लेंगे, जो सिकते जा रहे हैं उनको अलग निकाल लेंगे। तो मैं आपको बताऊंगी कितने सॉफ्ट हैं, बिल्कुल लेयर आ जाती है अंदर, ठोस दाल आपको दिखेगी ही नहीं, बहुत ही फ्लफी बनते हैं। और जब ये हम कांजी के पानी में डालेंगे तो उसमें नमक भी होता है और मसाले भी होते हैं उसके साथ, बहुत टेस्ट लगते हैं। तो ये बड़े बन के तैयार हैं। अब मैं एक बड़ा आपको फोड़ के बताती हूँ कितना सॉफ्ट और जालीदार बनता है, क्योंकि हमने दाल को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से फेंटा है। ये देखिए, ठोस दाल है ही नहीं बिल्कुल, बस दो परत हैं। ये बहुत गर्म बड़ा है अभी। अब इस तरह से दूसरे मेथड से बनाते हैं, तो मैं आपको दूसरा मेथड बताती हूँ। एक कटोरी पे कपड़े को इस तरीके से बांध लीजिए, सब तरफ से कवर हो जाए कटोरी और कपड़ा टाइट हो जाए उस पर। ये कपड़ा पहले से भी हल्का सा गीला था और अब मैं वापस इस पर थोड़ा सा पानी लगा के फिर दाल रखूँगी। तो हल्के हाथ से पानी लगा के फिर दाल रखिए 1 टेबल स्पून के करीब, और इसको पानी से सेट कर लीजिए, पानी के हाथ से, क्योंकि ये थोड़ी स्टिकी होती है उड़द की दाल, अगर आप पानी थोड़ा हाथ पे लगा लेंगे तो ये चिपकेगी नहीं। और वो ही मेथड से हम इस बड़े को भी फ्राई करेंगे और ये इजीली हाथ पे पलट जाता है। मैं पलट के बताती हूँ आपको, ये देखिए और कितना इजीली आ गया और शेप भी बिल्कुल नहीं बिगड़ा। अब हम इसे कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसको भी हम उसी तरह से सेकना है, सारे बड़े हमें, जैसे हमने पहले सेके थे। बस इसमें ध्यान ये रखिए कि गैस मीडियम पर हो, बिल्कुल ना धीमी और ना तेज। अगर आपने बहुत धीमी कर दी तो भी अच्छे से नहीं सिक पाएंगे, और बहुत तेज कर दी तो जल जाएंगे और अंदर दाल कच्ची रह जाएगी। तो ये देखिए, एक फूलते जा रहे हैं, अलग ही दिख रहे हैं। अब हम इन्हें पलट सकते हैं, इनको पलट देंगे और इतना ही ब्राउन इन्हें वापस दूसरी तरफ से भी करेंगे। तो जितने भी ब्राउन होते जा रहे हैं उन्हें अलग निकालते जाएंगे। ये एक मैंने थोड़ा जो गोल वाला कांजी बड़ा बनता है वैसा डाल दिया था, थोड़ी सी दाल बची थी। तो ये देखिए, सभी तरह के बड़े बनके तैयार हैं, पहले जो बनाए थे हमने वो भी और ये जो अभी बनाए। अब हम एक बर्तन में अलग से पानी लेंगे, सिंपल पानी है ये, सादा बिल्कुल प्लेन, न गर्म न ठंडा, रूम टेम्परेचर का। इसमें सारे बड़े डाल देंगे सिर्फ 2-3 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम बिल्कुल ऑयल फ्री बनाना चाहते हैं। इसमें अभी बहुत ऑयल है और इस तरह से थोड़ा ऑयल निकल जाता है। और कांजी का पानी भी एक दिन पूरा हमने धूप में रख दिया था और अच्छे से खट्टा हो गया है, बिल्कुल तैयार है। बड़े भी 3 मिनट हो चुके हैं पानी में भीगे हुए। अब हम इनको कांजी के उसमें मिक्स कर देंगे। इसमें कांजी के पानी में आप शक्कर भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा मीठा चाहिए, और अगर आप चाहें तो डायरेक्ट ऑयल वाले कढ़ाई से निकले हुए बड़े भी डाल सकते हैं। इस तरह से हल्का सा प्रेस करेंगे हम, बिल्कुल हल्का सा, और आप बिना प्रेस करे भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, और सीधे कढ़ाई में से डीप फ्राई भी डाल सकते हैं आप, जैसे आप खाना चाहें। पर ये बड़े बहुत टेस्टी बनते हैं। अब मैं एक बड़ा जो थोड़े हमने बड़े साइज के बनाए थे वो दही का भी बताऊंगी। ये मैं डाल रही हूँ सूखा पुदीना पाउडर, इससे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है कांजी में, और थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर। ये दोनों ज़रूर डालिए जब आप सर्व करें तब, क्योंकि इनकी खुशबू और जो ताज़ा मसाला होता है, मतलब ये फ्रेश ही अच्छे लगते हैं। आप बिल्कुल सर्व करते पे इसे यूज़ करिए। तो हमने थोड़े, और इसको अब हम रख देंगे फ्रिज में ठंडा होने के लिए, क्योंकि कांजी बड़ा हमेशा चिल अच्छा लगता है थोड़ा सा। आप चाहें तो ऐसा भी खा सकते हैं। इस पर हम दही डालेंगे, थोड़ा सा नमक, इसको हम जैसे दही बड़ा खाते हैं वैसे बनाएंगे, बहुत अच्छा लगता है ये। ये कांजी के पानी के डूबा हुआ भी आप खा सकते हैं, ये मैंने प्लेन रख लिया था सिंपल पानी में डूबा हुआ। थोड़ा सा भुना जीरा, लाल मिर्च, मीठी चटनी और जो आपको मसाले पसंद हो सब ऐड कर सकते हैं आप, बहुत टेस्टी लगता है। तो ज़रूर खाइए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, दोनों ही, पानी वाला भी और ये भी।
क्योंकि हम बहुत स्पाइसी ऑयली पकवान खाते हैं त्यौहार पे, तो उसके बाद ये अगर खाएंगे आप तो बहुत अच्छा डाइजेशन हो जाता है। कांजी बड़ा भी ठंडा होके तैयार है, अब हम इसे सर्व कर सकते हैं। तो मिक्स करिए, जब आप सर्व करिए तो थोड़ा सा इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए वापस, और ये देखिए बनके तैयार है। तो कांजी बड़ा दही के साथ भी खाइए आप, और पानी के साथ तो सभी लोग बहुत पसंद करते हैं, लेकिन दही के साथ खा के देखिए, कांजी के पानी में डूबा हुआ भी आप खा सकते हैं। तो देखिए ज़रूर बनाइए कांजी बड़ा, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप भी बनाइए, सबको खिलाइए। नमस्कार।